हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लोजेट लाइफ। और आज का जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो ज्वेलरी हॉल है, अजियो ज्वेलरी हॉल, जो कि बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है और बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि मार्केट में कोई भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी अगर हम लेने जाते हैं बहुत ही ज्यादा सुंदर वाला या कुंदन वाला, तो हमें 1000 से ऊपर पे करने की जरूरत पड़ती है। बट आज जो मैं लेके आई हूँ वो बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है, सबके बजट के हिसाब से है। सारी ज्वेलरी है 400 के अंडर ही और काफी ज्यादा सुंदर है ज्वेलरी सारी। मैं तो लाइक आई वाज शॉक्ड कि इतनी सस्ती और इतनी अच्छी क्वालिटी की अजियो में है ये ज्वेलरीज। तो चलिए फिर मैं आपको एक एक करके ज्वेलरीज दिखाती हूँ। तो मैंने काफी ज्यादा ना ऐसी ज्वेलरी सेलेक्ट की है जो कि सब में जाए, वेस्टर्न में भी जाए और एथनिक में भी जाए। और आपको सबको पता है कुंदन बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है। तो चलिए फिर मैं स्टार्ट करती हूँ अपने सबसे पहले ज्वेलरी से। स्टार्ट करती हूँ ये स्टड वाली इयररिंग और मांगटीका से। तो ये मैंने परचेस किया है अराउंड 300। कोई भी ज्वेलरी मेरे 400 के ऊपर के नहीं है, सारे 400 के अंदर के है। और ये वाले मैंने इसलिए परचेस किया है क्योंकि ज्यादातर लाइक टीनेजर्स को या फिर बहुत सारे लड़कियों को अगर देखा जाए तो उसे मांगटीका पसंद होता है, इयररिंग पसंद होता है, बट नेकलेस पसंद नहीं होता। तो मैंने इसीलिए ये वाला पसंद किया है। तो अभी मैं आपको पहन के दिखाती हूँ ये कैसा लुक दे रहा है। आप लोग देख सकते हो ये कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। और अगर आपको मांगटीका नहीं पहनना है तो आप सिर्फ इयररिंग्स भी पहन सकते हो, लाइक कोई भी आपके एथनिक सूट्स हो या फिर कुछ भी सिंपल सा फंक्शन होता है घर पे, शादी में या कुछ भी, आपको ज्यादा हैवी पहनने का मन नहीं है बट लाइक शादी है तो थोड़ा सा हैवी पहनना तो बनता है, तो आप सिर्फ ये स्टड भी डाल सकते हो। और अगर इयररिंग का बहुत शौक, सॉरी मांगटीका का अगर बहुत ज्यादा शौक है तो ये मांगटीका भी पहन सकते हो। आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है। अभी मैंने ऐसे ही इसी ड्रेसअप में दिया है, अगर आप प्रॉपरली ड्रेसअप हो गए तो ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगने वाला है। तो चलिए अब मैं चलती हूँ अपने नेक्स्ट ज्वेलरी पे। तो अब चलती हूँ मेरे सेकंड वाले ज्वेलरी पे। तो ये सेकंड वाला है ये वाला जो सिल्वर है और चोकर पैटर्न में है। तो ये बहुत ही ज्यादा सुंदर एथनिक में लगेगा। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना जिन्हें हैवी पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उनमें से मैं एक हूँ। मैं बिल्कुल भी ना इयररिंग पहनती हूँ ना गले में कुछ पहनती हूँ, मुझे पसंद नहीं आता। तो मुझे ये सिंपल सा चोकर लाइक ऐसे चाहिए था कि कभी मैं अगर पार्टीज में जाऊं तो सिंपल सा कुछ पहन सकूं मैं। तो ये बहुत ही लग्जरी लुक देता है, बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है ये। तो चलिए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और इसका प्राइस भी 250-55 ऐसे ही है। तो बहुत ही कम दामों में अजियो में बहुत अच्छी क्वालिटी की ज्वेलरीज मिल चुके हैं। तो चलिए फिर मैं इसको पहन के दिखाती हूँ ये कैसा लग रहा है। आप लोग देख सकते हो ये सेकेंड वाली जो चोकर स्टाइल है ज्वेलरी, तो ये काफी ज्यादा सुंदर लुक दे रहा है और बहुत ही सिंपल है। तो मेरी जैसी लड़कियों को तो बहुत ज्यादा पसंद है, लाइक मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद है। इतने सिंपल ज्यादा मुझे हैवी ज्वेलरीज पसंद नहीं आती है। तो आप लाइक अगर पूरी नेट की साड़ी पहन रहे हो और सिंपल सा किसी रिसेप्शन में जाना है या कोई और छोटी मोटी बर्थडे पार्टीज या फंक्शन है तो आप इस टाइप की चोकर पहन सकते हो। और आपका आजकल तो चोकर ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है तो ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेगा। तो इसी पे आप चलते हैं मेरे थर्ड ज्वेलरी पे। ये भी मैंने चोकर लिया है, इसमें मांगटीका भी है दो और इयररिंग भी है और चोकर भी है। तो ये भी काफी ज्यादा सिंपल में बहुत ही ज्यादा सुंदर है। जैसे कि कुंदन तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है लोगों को, कुंदन बहुत अट्रैक्टिव होता है। तो जैसे आप सिंपल सा सूट पहन रहे हैं और ये वेस्टर्न में भी आराम से चला जाएगा। आप मान लो कुछ ऐसा टॉप पहन रहे हो जिसमें आपको श्रग चाहिए या दुपट्टा लेना है आपको, तो आप इजीली सिर्फ ये चोकर भी पहन सकते हो, बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। तो चलिए अभी मैं आपको इस पे दिखाती हूँ कि अभी कैसा लग रहा है। लेकिन अगर आप प्रॉपरली ड्रेस्ड होंगे तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ एक ही चीज को बार बार इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर ये प्रॉपरली ड्रेस्ड होंगे तो ये सारे ज्वेलरीज और ज्यादा सुंदर लगेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अब मैं इसको पहन के दिखाती हूँ आपको। ये देख सकते हो ये कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। अगर आपको मांगटीका नहीं पहनना है, सिर्फ चोकर पहनना है, तो आप सिर्फ चोकर भी पहन सकते हैं। ये इंडिविजुअल्स भी सारे बहुत अच्छे लगेंगे। अगर आपको किसी में सिर्फ इयररिंग पहनना है तो आप इयररिंग पहन लो, या टीका नहीं, और टीका काफी ज्यादा छोटा दिया है इसने बट सही है। और ये चोकर तो मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है और काफी ज्यादा हैवी सा लुक है। और इसका प्राइस ओनली 330 है। तो आप देख सकते हो कि सारे बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है और क्वालिटी सबकी बहुत ज्यादा अच्छी है। तो मैं सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से जाके चेक कर लेना कि आपको कैसा लग रहा है।
तो अब चलते हैं मेरे फोर्थ कुर्ती बैग। जैसे सारे के पैकेजिंग बहुत अच्छे से दिए हैं डब्बे में पैक करके, तो ये जो फोर्थ वाला है तो ये कुंदन प्योर कुंदन का है, और इट्स नॉट आई कैन टेल कि प्योर कुंदन, तो जो भी है बहुत ही ज्यादा सुंदर है। और ये थोड़ा सा बस महंगा है, क्या है बस 400 का, बाकी सारे 300 के रेंज में थे और ये सिर्फ 400 का है। तो चलिए अब मैं इसको पहन के दिखाती हूँ। दिस इज माई फोर्थ एंड लास्ट वन। तो ये वाली जो ये ज्वेलरी है, तो ये पता है ज्यादातर साड़ी पे ज्यादा सुंदर लगेगी, लाइक अगर आपको रॉयल लुक थोड़ा सा शो करना है तो ये लंबी वाली ज्वेलरी है, थोड़ी इसकी नेकलेस थोड़ी सी लंबी है और इयररिंग भी लंबी लंबी है, तो ये ज्यादा सुंदर साड़ी पे लगेगा। तो चलिए फिर मैं आपको इसको पहन के दिखाती हूँ। ऐसे आप कोई साड़ी पहन रहे हो, ठीक है, तो आप शादियों में जा रहे हो, तो ये वाला बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेगा। ऐसा लग रहा है ना कि प्योर कुंदन है, बट ये प्योर कुंदन तो नहीं है, लेकिन ऐसा इसका लुक बहुत ही ज्यादा रॉयल है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है, क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है और इसकी इयररिंग्स भी लंबी लंबी है। तो अगर आप इयररिंग्स नहीं पहनना चाहते हो तो सिर्फ ये नेकलेस भी पहन सकते हो, और ये कुर्ती के साथ भी अच्छा लगेगा वैसे, लेकिन साड़ी के साथ कुछ ज्यादा ही अच्छा लगेगा। तो ये हर एज वाली औरतें पहन सकती है, हमारी मम्मी भी पहन सकती है, और फिर उसके बाद आप टीनेजर्स भी पहन सकते हैं। तो ये काफी ज्यादा सुंदर लुक है, बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप मेरे ज्वेलरीज के कलेक्शन आपको अच्छे लगे होंगे। तो सारी ज्वेलरीज जो मैंने आज आपको दिखाए हैं वो सारे 400 के अंदर ही है, और सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, मैं डायरेक्ट लिंक भी डाल दूंगी और मेरे हॉल पैक के अकाउंट भी डाल दूंगी, उसमें मेरे सारे फेवरेट कलेक्शंस और सारे हॉल मैं उसमें डाल रखा है मैंने, तो आप वहां से भी जाके सारे चीजें देख सकते हो। अगर एक साथ आपको सारी चीजें देखने हैं तो मेरे हॉल पैक अकाउंट में आप सारे देख सकते हो, और बाकी मैं डायरेक्ट लिंक भी डाल दूंगी अजियो के। तो ये सारे ज्वेलरीज जो थे वो बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल और बजट के हिसाब से आप लोगों के, तो आप परचेस कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही जल्दी आप देख रहे हो सारे फेस्टिवल्स आ ही रहे हैं, तो लाइन बाय लाइन अब तो सारे फेस्टिवल्स ही आएंगे, तो आपको ज्वेलरीज की जरूरत पड़ेगी। और अभी ये थोड़ी डिस्काउंट में है, तो आप जितनी जल्दी हो सके आप परचेस कर लेना, क्योंकि एक बार अगर ये वापस लाइक नॉर्मल प्राइसेस में आ गई तो ये बहुत ही ज्यादा महंगी है, अराउंड 3000-4000 की है, तो आप जितनी जल्दी हो सके ये डिस्काउंट में आप परचेस कर लो अगर आप चाहते हो तो, क्योंकि आपको पता है अभी दिवाली जल्दी ही आ जाएगी, फिर करवा चौथ भी आ रही है, तो लाइन से सारी फेस्टिवल है। तो और बाकी मैं और एक चीज के बारे में बोलना चाहती हूँ, अभी रिसेंटली मैंने एक बुक परचेज किया है अपनी कस्तूरी, तो ये ना एक लव के बारे में है, एक लेकिन एक इंसान के बारे में है जिसका प्यार और जिसकी स्टोरी बताई गई है उसकी मम्मी के प्रति, उसके फैमिली के प्रति। तो ये जो बुक है वो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है, ये बुक मैं काफी दिनों से पढ़ रही हूँ, उसके बहुत सारे चैप्टर्स है, तो जो आपको बहुत लाइक आपके दिल को छू जाएंगे, तो प्लीज ये बुक जरूर से जरूर खरीदे और इसे पढ़े, और आप कहीं ना कहीं आप फील करोगे कि आपकी भी स्टोरी इस बुक में छुपी हुई है। तो मैं इसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, और हाँ नाम ना भूले अपनी कस्तूरी, ठीक है। तो अब मैं अपने लाइक आज के वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, और बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो को लेके आती हूँ। सो फॉर टुडे गाइस, बाय बाय, एंड प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दे, और बेल आइकन भी दबा दे, ताकि मेरे हर वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। बाय बाय।